जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही थी यूपी सांसदों की, वो बैठक खत्म हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर। और कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, क्या निकल कर आया बैठक से, कोई इनपुट? देखिए फिलहाल विपनेश, अभी जस्ट बैठक खत्म हुई है। आप सामने, मैं कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। सामने से ये गेट है जहां से सारे सांसद अभी निकल कर गए हैं, और कुछ सांसद आपको सामने फ्रेम में दिख रहे होंगे, वो निकल कर जा रहे हैं। मुख्य तौर पर चुनाव जीतने का मंत्र दिया गया है, और कि कैसे क्षेत्र में, चूंकि 310 के आसपास 12 सीटें थी उनके पास पिछली बार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, वो चाहते हैं कि यह आंकड़ा 350 के ऊपर जाए, और नहीं तो कम से कम 300 से तो ऊपर जरूर रहे बुरे से बुरे हालात में। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने खुलकर बातचीत की है और सभी सांसदों को कहा है कि आप क्षेत्र में विशेष तौर से लड़िए और अपने अपने क्षेत्रों की सीटों को सुनिश्चित कीजिए। जो विधानसभा की सीटें हैं उसको सुनिश्चित कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर क्षेत्र से, आपके लोकसभा क्षेत्र से अगर विधायक चुनकर आएंगे तो खुद ही सीटों की संख्या अच्छी खासी हो जाएगी। लगभग 60 सांसद होंगे तो 360 के आसपास सीटें हो जाती है। तो कुल मिलाकर पूरी जो बैठक रही। ठीक है, ये मंत्र इसलिए भी जरूरी है कुमार गौरव, मैं जल्दी ही रिएक्शन ले पाऊंगी क्योंकि मुझे मेहमानों का भी रुख करना है। जीत का मंत्र दिया है, 300 प्लस का आंकड़ा छूना है 2022 में बीजेपी को, इसीलिए ये तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। अब मैं मनीष जी आपके पास आ रही हूँ। मनीष जी, दिल्ली से शुरुआत कर लेते हैं। अजय मिश्रा टेनी को भी इन्वाइट किया गया इस बैठक में, तो क्या ये माने कि बीजेपी कोई फैसला इसलिए नहीं ले पा रही है अजय मिश्रा टेनी पर?